नाउ स्टूडेंट दिस वे अराउंड एक और नया सनेरियो है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन तो हम एक नए सैनैरियो के अगेंस्ट एक कंप्लीट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना के देखते हैं ताकि यू शुड हैव मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के रिक्वायरमेंट चेंज कैसे होती है और जैसे रियल uh, टाइम में ऑब्वियसली देर विल भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स सो यू शुड है मोर एक्सपोजर टू सम रियल टाइम वर्ल्ड सो लेट्स डिसकस द सनेरियो नाउ so स्टूडेंट्स एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम देर आर सेवर फ्लाइट विच आर इधर लैंडिंग और टेकिंग ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट देर आर मोर देन वन पैसेंजर ऑन अ पर्टिकुलर फ्लाइट बेसिकली एक एयरपोर्ट है जिसपे मल्टीपल फ्लाइट हैं जो कि लैंड भी कर रही हैं और टेक ऑफ भी कर रही हैं डिफरेंट टाइम में सेम टाइम में उसे फर्क नहीं पड़ता एक फ्लाइट के ऊपर मोर देन वन पैसेंजर आर देर ऑन ए पर्टिकुलर फ्लाइट ये मैंने एक स्नैरियो ये पिक किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक जो फ्लाइट है उसमें कोई पैसेंजर ना हो या कम से कम एक हो तो मैंने कम एक कम से कम एक पैसेंजर वाला स्नैरियो यहाँ पिक किया है मैं जानबूझ के मोर देन वन लिख दिया पैसेंजर्स आर एलोकेटेड सीट नंबर वैन दे परचेज टिकट तो पैसेंजर्स बेसिकली जब टिकट परचेज करते हैं तो उनको एक सीट नंबर मिल जाता है प्लेन कैन बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट फ्लाइट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल मतलब जो जो फ्लाइट है वह मटेरियलाइज होती है प्लेन से मतलब जमीन पर खड़ा हुआ प्लेन फ्लाइट उस वक्त फ्लाइट में कन्वर्ट होता है जब वो हवा में होता है प्लेन कैन भी एसोसिएटेड टू डिफरेंट फ्लाइट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल ये मैंशन यहाँ पर करना इसलिए भी जरूरी था कि ये जरूरी नहीं है कि एक प्लेन एक ही फ्लाइट के साथ हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप दुबई जा रहे हैं तो जो प्लेन वन है हो सकता है दो दिन के बाद वही प्लेन आपको यहाँ से लैटर सपोज जर्मनी लेके जा रहा है जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल बर्लिन में लेके जा रहा है तो इसका इस, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेन एक फ्लाइट के साथ था अगर वो फ्लाइट लैंड कर गई तो प्लेन ही नहीं है ऐसा नहीं है तो प्लेन कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल फ्लाइट्स पैसेंजर्स कैन ऑर्डर ये कैन है अब डिफरेंट मील्स ड्यूरिंग फ्लाइट एंड डिटेल्स आर मैं इन फॉर्म ऑफ आइदर एशियन और नॉन एशियन ये सब मैंने सैम्पल डाटा बताया फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्लाइंग टू सम यू नो नॉन मुस्लिम कंट्री तो या नॉन एशियन कंट्री कह लें तो आपके पास ये ऑप्शन होती है अमूमा टिकट के ऊपर बताने के लिए यानी जब आप टिकट परचेज करते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन एशियन मील यानी आप एशियन uh, खाना, खाना खाना चाहते हैं लाइक यू नो देसी फूड तो आप ये बता सकते हैं उसके बाद एयरपोर्ट इज मैनेज बाय अ मैनेजर तो एक एयरपोर्ट का एक ही मैनेजर होगा और एक मैनेजर एक ही एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा होगा आइडियल नेैरियो में तो ये हमारा एक थोड़ा सा एलेबोरेटेड स्नैरियो है इसके अंदर कुछ आपको थोड़ी सी वेरिएशन नज़र आ रही होगी फ्रॉम द प्रीवियस स्नैरियोज इट इज़ अ बिट एक तो लेंथ भी ज्यादा है और थोड़ी सी इसके अंदर आपको एंटिटीज भी ज़्यादा मिलेंगी सो अगेन एज आई सेड अर्लियर स्नैरियो को पढ़ने के बाद और ई आर टी भी जाने से पहले पहले खुद से बनाए ई आर डी अदरवाइज इट विल किल द दर्पज़ द होल पर्पज सो वन पॉसिबल सोल्यूशन फ्लाइट की एंटिटी पैसेंजर की मैनेजर की प्लेन की एयरपोर्ट की टिकट की तो अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फ्लाइट टू पैसेंजर जैसे हमने कहा था कि फ्लाइट में कम से कम एक पैसेंजर होना चाहिए ये हमारी अब रिक्वायरमेंट का पार्ट है तो अगर अब आप यहाँ पे इस सॉलिड लाइन को अगर डॉटेड कर देंगे यानी मैं अगर इसको यूं क्रिएट कर दूं और मैं ये एज्यूम कर लूं कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्लाइट में कोई पैसेंजर नहीं हो एग्जाम्शन आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन रिक्वायरमेंट में क्योंकि अब लिख दिया हुआ है कि एक पैसेंजर का होना जरूरी है टू बी अ फ्लाइट तो अब ये लाइन डॉटेड नहीं हो सकती तो दिस हैज टू बी सॉलिड अगर डॉटेड करेंगे दैट वुड बी रॉन्ग तो दिस कैन नॉट बी डॉटेड उसके बाद एक फ्लाइट में एक से ज्यादा पैसेंजर भी हो सकता है तो एक पैसेंजर तो यहां से कवर हो गया ऑप्शनलिटी से एक से ज़्यादा कवर हो गया यहां मैनी के सिंबल से और एक पैसेंजर एक ही फ्लाइट का पार्ट हो सकता है यानी जिसमें वो फ्लाई कर रहा है ऑब्वियसली तो यहां पे आप यहां पे लिख सकते हैं वन यानी अ पैसेंजर इज पार्ट ऑफ एग्जैक्टली वन फ्लाइट अब यहां पे थोड़ी आप ये डिस्कशन कर सकते हैं कि सर ये इसका मतलब ये कि पैसेंजर ने अगर एक बारी एक फ्लाइट पर ट्रैवल कर लिया तो क्या उस फ्लाइट पर दोबारा ट्रेवल नहीं कर सकता एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल कोई कोई फ्लाइट नंबर है पी के थ्री जीरो सिक्स अब पी के थ्री जीरो सिक्स फॉर एग्जाम्पल आज भी फ्लाई कर रही है तीन दिन बाद भी कर रही है और चार दिन बाद भी कर रही है तो अगर मैंने आज भी ट्रैवल किया है तीन दिन बाद भी किया है और चार दिन बाद भी किया है तो आई विल स्टिल बी अ पैसेंजर लेकिन यहां देख के लग रहा है कि पैसेंजर फ्लाइट पी के थ्री जीरो सिक्स पे एक ही बारी ट्रैवल कर सकता है अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है दिस इज़ अ वैलिड एंड जैनुअन क्वेश्चन इसका आंसर ये है कि ये पैसेंजर आई डी डिफर करेगी जब मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ दो दिन बाद कर रहा हूँ और तीन दिन बाद कर रहा हूँ तो एक पैसेंजर आई डी होगी जो कि डिफर करेगी जो मुझे एनेबल कर देगी ये सिर्फ ये बता रहे हम कि एक पैसेंजर एक वक्त में एक ही फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है यानी मैं अगर आज पी के थ्री जीरो फोर में कर रहा हूं दस बज के आठ मिनट में फॉर एग्जांपल या दस बज के तीस मिनट में तो मैं आज ही के दिन में दस बज के तीस मिनट पर किसी दूसरी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकता दैट वुड बी रॉन्ग इस कॉन्टेक्स में यहां मैंने का सिंबल नहीं लगा हुआ उसके बाद पैसेंजर टू टिकट पैसेंजर कैन बाय वन और मोर टिकट वन इसलिए कि अगर पैसेंजर के पास टिकट नहीं है तो वो पैसेंजर नहीं है ऑब्वियसली वो सिंपल एक हमारा क्लाइंट है मोर इसलिए इसकी जो मेद मामे थी एज्शन वो ये थी कि लेट्स सपोज अमूमन ही होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने चार के चार टिकट परचेज कर लिए तो दे यूज राइट फॉर एग्जाम्पल माई नेम एंड देन दे राइट नो अदर नेम तो एक बंदा एक से ज़्यादा टिकट भी परचेज कर सकता है यानी ऑन सिंगल सी सी या सिंगल क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट उस कॉन्टेक्स में मैंने यहाँ पे इसको मैनी का साइन लिख दिया है यू शुड डिफर इफ़ यू हैव एनी अदर एजम्पन लेकिन जो एक टिकट है वो एक ही पैसेंजर को बिलोंग करेगा यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पैसे दिए हैं और उस टिकट की एक सीट नंबर भी है तो उस सीट नंबर को कोई और पैसेंजर आके वहाँ बैठे ऐसा नहीं हो सकता अब यहाँ पे एक पॉइंट जो हमने एंड में लिखा था ना कि मील ऑर्डर कर सकते हैं और सीट नंबर एक जो ओमन मुझे फील होता है जो आ, जो कन्फ्यूजन कि सीट नंबर इज नॉट एन एंटिटी ये एक एट्रीब्यूट है टिकट की लाइकवाइज जो मील है यानी दिस वन ये एंटिटी नहीं है यानी स्नैरियो में लिखी हुई हर चीज एंटिटी नहीं है जानबूझ के मैंने एट्रीब्यूट्स भी लिखे हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ये एंटिटी टिकट है सीट नंबर और मील उसके एट्रीब्यूट्स हैं मूविंग फॉरवर्ड एयरपोर्ट वन एयरपोर्ट कैन हैव जीरो और मोर फ्लाइट्स टेक ऑफ भी कर रही है लैंड ऑफ भी कर रही है इसका कतल मतलब ये नहीं है कि अगर एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट टेक ऑफ भी नहीं कर रही और लैंड भी नहीं कर रही तो वो एयरपोर्ट नहीं है इस डॉटेड का मतलब है कि वो एयरपोर्ट है उस वक़्त अगर मैं इसको सॉलिड कर दूंगा ना तो हम ये कह रहे होंगे कि वो एयरपोर्ट ही नहीं है जिसपे हर वक्त कोई फ्लाइट लैंड या टेक ऑफ नहीं कर रही और मल्टीपल इसलिए कि एक से ज़्यादा फ्लाइट भी टेक ऑफ या लैंड कर सकती हैं लेकिन यहाँ सॉर्ड लाइन नहीं आ सकती जस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस फ्लाइट टू प्लेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है और यहां पे आपका आंसर वेरी करना चाहिए फ्लाइट बिलोंग टू वन और मोर प्लेन बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल कि पी के थ्री जीरो सेवन लेट सपोज आज उसको प्लेन फ्लाई कर रहा है बोइंग फॉर एग्जाम्पल कल को कोई दूसरा बोइंग का ही नंबर है या कोई और और कंपनी है वो उसको फ्लाई यानी किसी और कंपनी का जो प्लेन है वो फ्लाइट से अटैच हो गया तो फ्लाइट नंबर से वेरी नहीं करता यानी आप ये नहीं कह सकते कि बोइंग ही सिर्फ थ्री जीरो सेवन को लेके जाएगा या सेना सिक्स सीटर लेके जाएगा ऐसा नहीं है तो फ्लाइट नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेन यानी एक फ्लाइट मल्टीपल प्लेन के साथ भी अटैच हो सकती है और जो एक प्लेन है लाइकवाइज एक प्लेन मल्टीपल फ्लाइट के साथ भी अटैच हो सकता है यानी आप ये नहीं कह सकते यानी थ्री जीरो सेवन हमेशा सिक्स सीटर के साथ भी जाएगा ऐसा नहीं है तो इस कॉन्टेक्स में ये मैनी टू मैनी है अब ई आर डी में मैनी टू मैनी को रिजॉल्व करना है इनटू थर्ड एंटिटी और नॉट ये आपका अपना डिसीजन है लेकिन ई आर डी में मैनी टू मैनी शो कर सकते हैं जैसे हमने शो किया हुआ अगर इसको आप स्प्लिट भी कर देंगे एक तीसरी एंटिटी बना के लाइक इंटरसेक्शन एंटिटी यानी यहीं पर अगर आप एक तीसरी एंटिटी बना दें जिसका नाम आप एफ अंडर स्कोर पी रख दें दैट विल वुल्सो बी करेक्ट तो आई वोंट माइंड तो आप अलग से बना दें या एक ही रखें नॉट हैव एनी इंपैक्ट। उसके बाद लास्ट एंटिटी मैनेजर इट इज प्योरली वन टू वन वन एयरपोर्ट विल है और कार्डी एंड एग्जैक्टली वन एयरपोर्ट तो इट इज अ वेरी रेयर रिलेशनशिप बट इट इज रेयर अब यहां पर आपको कुछ एट्रीब्यूट नजर आ रहे होंगे इंटरेस्टिंगली एयरपोर्ट के एयरपोर्ट नेम है कैपेसिटी है एनुअल ट्रैफिक है मेरी सजेशन ये होगी कि स्टार्ट विद एक एंटिटी की कम से कम पांच ही एट्रीब्यूट्स जो मैंने लिखे हैं इसके अलावा लिखें और जो रिलेशनशिप्स हैं ये स्नैरियो के अंदर रहते हुए ही तो ऐसे डिफरेंट बनाएं तो यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वेन यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट